तो आज दोस्तों स्वागत है, लेकर आए हैं बॉम्बे चाट। ये है राजेंद्र नगर साहिबाद गाजियाबाद में बॉम्बे चाट कॉर्नर। और ये क्या क्या सर्व कर रहे हैं देखिए, ये दे रहे हैं वेज कटलेट, बड़ा पाव, मसाला पूरी, मटर कचौड़ी, बॉम्बे कचौड़ी और इतनी सारी चीजें आपके लिए हम लेकर आए हैं बॉम्बे चाट पर। फटाफट से देखते हैं कैसे ये बनाते हैं और कैसे सर्व करते हैं और क्या है वो मजेदार खाने की चीजें जो आप भी इंजॉय करते हैं। हमारे मोहन भाई बॉम्बे चाट के ओनर जो ये बढ़िया बढ़िया चीज आपके लिए सर्व करते हैं। तो मोहन भाई कहाँ से हैं आप? हम कोलकाता के। कोलकाता से हैं, क्या बात है। ये हैं वो चीजें जो जाती है इस वड़ा पाव में और उसको इतना स्वादिष्ट बना देती हैं। वो मसाले, वो छोटी छोटी चीजें जो आपके घरों में भी मिलती हैं, लेकिन बनाने का अंदाज ऐसा अनोखा कि वो इस चीज में जान डाल देता है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये रहा वड़ा पाव और ये रहा वो मसाला, इनका वो खास मसाला जो वड़ा पाव में जाता है और इसको स्वादिष्ट बनाता है। थोड़ा सा चाट मसाला, हरी चटनी और ये तल के निकाला इन्होंने वड़ा जो गया इस पाव के अंदर। यस, बिल्कुल सही। और इसमें अब ये इसको प्लेट में सर्व करेंगे, साथ में थोड़ी प्याज, थोड़ी सी चटनी जो कि इस वड़ा पाव की जान है, और इसके साथ इसमें गई हरी चटनी, एक हरी मिर्च और ये वड़ा पाव तैयार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बात करते किसी ऐसे शख्स से जो यहाँ पर वड़ा पाव खा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत पहले से आते हैं, इनसे पूछ लेते हैं एक बार। बहुत टाइम से तो नहीं, मैं पिछले एक महीने से आ रहा हूँ यहाँ पे और मेरे ख्याल तीसरी या चौथी विजिट है मेरी। अपने दिल्ली NCR में तो आपको पता ही होगा मुंबई फूड बहुत इजीली नहीं मिलता है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूँ साहिबाद गाजियाबाद की, तो मैंने सेक्टर 3 राजेंद्र नगर में खाया है और इसका जो टेस्ट है यहाँ का काफ़ी ऑथेंटिक टेस्ट है। जैसे मैंने यहाँ से ट्राई करा है, 3 से 4 बार आया हूँ, टेस्ट काफी अच्छा लगा है। मतलब ऑब्वियसली मुंबई के बराबर नहीं, लेकिन उसको काफी अच्छा कॉम्पिटिशन। मुंबई के बराबर नहीं, लेकिन हाँ पूरी कोशिश की गई है वो स्वाद लाने का इसमें, और बहुत ही जबरदस्त लग रहा है देखने में। टेक्सचर बड़ा जो इसके अंदर है, मिर्च जो इसके अंदर है, मिर्च की वो ताजगी प्यारी, इसमें प्याज, ये सब कुछ चीजें जो है ना बहुत फ्रेश लग रही है। बनाने का तरीका बहुत बढ़िया है। कोई एक चीज जो आपको खास पसंद है और कहीं और नहीं देखी आपने? और जिस तरह से सफाई से ये लोग दे रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंटेशन इनकी काफ़ी अच्छी है। फ्लेवर जो चटनी के मसालों के आ रहे हैं, इनका अपना स्पेशल मसाला है जो बड़ा पाव में डालते हैं, उसका एक अलग स्वाद आता है। बहुत बढ़िया, इनकी इस बात से एग्री करते हैं हम ये देख रहे हैं। इसको अभी हम खाएंगे कि हमारे लिए भी एक बार बन रहा है, तो इस चीज़ को देखेंगे। तो आप भी आइए, इंजॉय कीजिए। रेट बहुत रीजनेबल है, 50 रुपीज़ के अंदर 2 वड़ा पाव आपको देते हैं, सिंगल लेंगे तो 30 रुपीज़ का, बहुत ही रीजनेबल रेट है। और मेरे को लगता है आपको आगे इनको इस चीज़ को इनक्रेज करना चाहिए, इस वड़ा पाव को और इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें बनाते हैं उनको इन्जॉय करना चाहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।